सब्सक्राइब कीजिए मेरे YouTube चैनल शालूज लव बुक को और बगल में दिए गए बेल आइकन को प्रेस कीजिए मेरी रेसिपी सबसे पहले देखने के लिए। हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल शालूज लव बुक। और आज मैं आपके लिए लेकर आई हूँ वेजिटेबल मसाला सैंडविच। आज मैं आपको वेजिटेबल पोटैटो सैंडविच की रेसिपी दूंगी। आलू का सैंडविच कैसे बनाया जा सकता है वो मैं आपको सिखाऊंगी। तो बच्चों के टिफिन में आप इसको बनाकर रख सकते हैं, शाम को हल्की फुल्की भूख में खा सकते हैं, साथ ही आप इसको मॉर्निंग ब्रेकफास्ट में भी इंजॉय कर सकते हैं। बहुत ही ज़्यादा टेस्टी और बहुत ज़्यादा हेल्दी है। इसमें हम काफ़ी सारी सब्जियों का यूज़ करेंगे जो इसको और भी ज़्यादा टेस्टी और हेल्दी बना देगा। तो ये देखिए, इसको बनाना हम शुरू करते हैं। इसको बनाने के लिए हम एक पोटैटो का मिक्सचर बनाएंगे। तो इसका मिक्सचर बनाने के लिए हमने ये आलू लिए हैं, 2 कप के करीब मैश किए हुए आलू हैं। ये बॉयल किए हुए और मैश किए हुए आलू हैं जिसमें हम बॉयल की हुई सब्जियां डालेंगे। तो आधी कप के करीब बॉयल की हुई मैं इसमें गाजर और मटर ऐड कर रही हूँ। साथ ही हम इसमें ऐड डालेंगे कुछ और सब्जियां, तो अपनी पसंद की वैसे आप कोई भी सब्जी ऐड कर सकते हैं। मैं यहाँ पर यूज़ कर रही हूँ आधा कप प्याज मैं बारीक काट कर ऐड कर रही हूँ। साथ ही हम इसमें ऐड करेंगे हरी शिमला मिर्च, तो थोड़ी सी हरी शिमला मिर्च हम बारीक काट कर ऐड कर रहे हैं। आप चाहें तो इसमें पत्ता गोभी भी बारीक काट कर या फिर ग्रेट करके ऐड कर सकते हैं। तो ये देखिए, 2 हरी मिर्च मैंने ली है, जिसको मैंने बारीक काट लिया है वो मैं इसमें ऐड कर रही हूँ। साथ ही हम इसमें ऐड करेंगे थोड़ा सा अदरक, तो यहाँ पर मैं कद्दूकस करके 1 इंच अदरक का टुकड़ा मैंने लिया है वो मैं ऐड कर रही हूँ। तो इन सब्जियों के अलावा इसमें कुछ मसाले जाएंगे, तो सबसे पहले मैं इसमें डाल रही हूँ अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग नमक। तो आधा छोटा चम्मच मैं इसमें नमक का ऐड कर रही हूँ। नमक हम ध्यान से डालेंगे क्योंकि बाद में हम चाट मसाला भी डालेंगे जिसमें भी नमक होता है। तो ये देखिए, इसमें मैं डाल रही हूँ 1/4 चम्मच के करीब चाट मसाला, बहुत अच्छा खटास देगा हमारे पोटैटो मिक्सचर को। साथ ही हम इसमें डालेंगे 1/4 चम्मच के करीब क्यूमिन पाउडर, यानी कि जो भुने हुए जीरे का पाउडर होता है, रोस्टेड क्यूमिन पाउडर, वो मैंने ऐड कर दिया है। साथ ही हम इसमें डालेंगे 1/4 चम्मच के करीब गरम मसाला, इससे भी हमारे पोटैटो मिक्सचर का टेस्ट बहुत अच्छा आएगा और जो हमारा मसाला सैंडविच है, मसाला वेजिटेबल सैंडविच, ये बनकर बहुत ही टेस्टी आएगा। तो ये देखिए, इसमें मैं 2 पिंच के करीब डाल रही हूँ ब्लैक पेपर पाउडर, यानी कि काली मिर्च। साथ ही हम इसमें थोड़ी सी रेड चिली पाउडर, यानी कि लाल मिर्च का पाउडर भी ऐड करेंगे। तो 1/4 चम्मच मैं इसमें डाल रही हूँ रेड चिली पाउडर। अगर आप बच्चों के लिए बना रहे हैं तो आप स्किप कर दें। अब इन सारी चीज़ों को हमें अच्छे से मिक्स कर लेना होगा, तो हमारा पोटैटो का मिक्सचर, पोटैटो फिलिंग जो आलू के सैंडविच के लिए हम बना रहे हैं, वो बिल्कुल बनकर रेडी हो जाएगी। हमने यहाँ पर इस पोटैटो फिलिंग को बनाने के लिए बिल्कुल भी ऑयल का यूज़ नहीं किया है, बिना ऑयल के ही हमने इसको बनाकर रेडी कर लिया है। आप चाहें तो अगर आप बच्चों के लिए टिफिन के लिए बना रहे हैं तो आप इसको रात को ही बनाकर रेडी कर सकते हैं। इसको फ्रिज में रख दें आप और सुबह इसको फटाफट सैंडविच में ब्रेड के बीच में अरेंज करके आप इसको बच्चों को बनाकर टोस्ट करके दे सकते हैं। तो आइए फ्रेंड्स, हम सैंडविच बनाना शुरू करते हैं। तो सैंडविच बनाने के लिए ऑब्वियसली हमें चाहिए होंगी 2 ब्रेड की स्लाइसेस। तो यहाँ पर मैंने 2 ब्रेड की स्लाइसेस लिए हैं। अब ये जो आप ब्रेड की स्लाइसेस देख रहे हैं, ये अभी प्लेन है, इसमें हमने कुछ भी अभी लगाया हुआ नहीं है। अगर आप इस पर थोड़ी सी केचप या फिर थोड़ी सी हरी चटनी जो होती है, कोरिएंडर मिंट चटनी या फिर मिंट चटनी या फिर थोड़ी सी मेयोनेज, कोई भी आप डिप ले लें, आप वो अगर लगा देंगे तो जो आलू का सैंडविच का टेस्ट है वो और भी ज़्यादा बढ़ जाएगा। तो ये देखिए, बच्चों को वैसे जो केचप होती है बहुत ज़्यादा पसंद होती है, तो मैं यहाँ पर केचप का यूज़ कर रही हूँ। तो एक साइड में हम केचप थोड़ी सी अप्लाई कर देंगे। आप चाहें तो दोनों ही ब्रेड स्लाइस पर आप केचप लगा सकते हैं, या फिर आप इनको सिंपल रखें, कुछ भी ना लगाएं, ये भी चलेगा। पर अगर थोड़ा सा चाहते हैं टेस्ट और ज़्यादा बढ़ जाए, बच्चे उसको और ज़्यादा इन्जॉय करके खाएं, इवन हम बड़े भी टेस्टी चीज़ को ज़्यादा पसंद करते हैं, अगर आप इसको और ज़्यादा टेस्टी बनाएंगे, अच्छा सा बनेगा, तो ऑब्वियसली हमें अच्छा लगेगा। तो उसी तरीके से बच्चों के साथ अगर आप उसको टेस्टी बनाकर देंगे तो बच्चे बहुत ज़्यादा इन्जॉय करेंगे। बस आप उसमें मिर्च ना डालें, इस बात का आप ध्यान रखें। हरी मिर्च और लाल मिर्च का पाउडर आप स्किप कर दें। तो ये देखिए, एक तरफ तो हमने लगा दिया है इसमें टोमेटो केचप, अब दूसरी साइड हम लगाएंगे इसमें मेयोनेज। मैं यहाँ पर मेयोनेज इसलिए लगा रही हूँ क्योंकि बच्चों को यूजुअली मेयोनेज बहुत पसंद होती है, तो मैं यहाँ पर एगलेस मेयोनेज का यूज़ कर रही हूँ जो मैं इस पर लगा रही हूँ। तो अगर आप बड़ों के लिए बना रहे हैं, अपने लिए बना रहे हैं, तो आप इस पर कोरिएंडर मिंट चटनी भी लगा सकते हैं। जो हरी चटनी हम खाते हैं वो हम लगा सकते हैं, यूजुअली सभी के घर पर लंच के टाइम पर ज़रूर बनती है। तो ये देखिए, हमने डिप्स इस पर लगा दी हैं। अब इस पर हम रखेंगे पोटैटो फिलिंग जो हमने बनाकर रखी थी, तो अच्छे से एजेस को कवर करते हुए हम इस पर पोटैटो फिलिंग को फैला देंगे। तो ये देखिए फ्रेंड्स, आप देख सकते हैं पोटैटो का मिक्सचर हमने अच्छे से एजेस तक फैला दिया है। अब दूसरे ब्रेड स्लाइस से हम इसको कवर कर देंगे और इसको टोस्टर में हम इसको अच्छे से टोस्ट कर लेंगे। मैं यहाँ पर इलेक्ट्रिक टोस्टर का यूज़ कर रही हूँ। अगर आपके पास गैस वाला टोस्टर है जिसको हम गैस पर सैंडविच बनाते हैं, तो वो आप यूज़ कर सकते हैं। तो ये जो आप सैंडविच की स्लाइस देख रहे हैं, दोनों सैंडविच आप देख रहे हैं, इस पर हम दोनों साइड से लगाएंगे बटर। मैं यहाँ पर बटर अप्लाई कर रही हूँ। आप चाहें तो इसमें वेजिटेबल ऑयल या फिर घी कुछ भी अप्लाई करके इसको आप बंद करके और दोनों साइड से आप सेक सकते हैं। अगर आप गैस वाला जो टोस्टर होता है वो यूज़ कर रहे हैं, तो लो मीडियम फ्लेम पर आप अच्छे से, आप इसको अच्छा सा कलर आने तक सैंडविच को सेक लें।
तो ये देखिए सैंडविच को हमने अच्छे से सेक लिया है, इसको सिकने में लगभग 3 से 4 मिनट का टाइम लगा है। तो ये देखिए फ्रेंड्स, हमारा वेजिटेबल पोटैटो सैंडविच बनकर बिल्कुल रेडी हो गया है, आलू का सैंडविच बनकर बिल्कुल रेडी है। आप इसको अपने बच्चों के टिफिन में फटाफट बनाकर रखें, और चाहे तो इसको सुबह के ब्रेकफास्ट में या फिर शाम को हल्की फुल्की भूख में इसको बनाकर एंजॉय कर सकते हैं। इसको आप केचप के साथ एंजॉय करें, हरी चटनी के साथ एंजॉय करें, चाहे तो इसको मेयोनेज के साथ भी आप एंजॉय कर सकते हैं। इवन ये सिंपल भी बहुत अच्छा लगता है, क्योंकि हमने इसके अंदर केचप और मेयोनेज दोनों लगाई है, तो आपको किसी डिप की जरूरत वैसे नहीं है। चाहे तो थोड़े से चिप्स आप ले लें, लेज वाले जो चिप्स आते हैं या जो